तुमसे एक बात पूछूं? ये सब जो तुमने किया किस रिश्ते से? सवाल मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ। शुरुआत तुमने की, चलते हुए कोयले पे से मुझे उठा है, खुद चलने लगा, तुम्हारे पैर जख्मी हो गया है, किस रिश्ते से? इंसानियत के नाते तुमने इंसानियत के रिश्ते से देखा देखा कैसे लैला मजनू बन गए दोनों? प्यार जग रहा है आर्यन के मन में, अब तुम कुछ करोगी भी या फिर उठा के फेंक दो इस घर से बाहर? आह, क्या कर रही हो राधिया? प्लीज मुंह मत करो यार, दर्द कर रहा है। सॉरी, मुंह में कुल्फी जम गई है क्या? जवाब क्यों नहीं देती? अब क्या उनकी सुहागरात देखने के बाद कुछ करोगी? एक और उपाय है मेरे पास। क्या कर रही हो? पैर क्यों हिला रहे हो? दर्द हो रहा है यार। मुझे लगा मैं थोड़ा इस तरफ हो जाऊंगी तो तुम्हें थोड़ी जगह मिल जाएगी। देवदासी से प्यार बहुत सर पे चढ़ा लिया है, बस हम खत्म कर इस रिश्ते को। सुना नहीं तूने? सुना नहीं क्या तूने? अभी के अभी इस देवदासी को तुझे छोड़ना होगा तुझे आर्यन। अगर मेरा पोता है ना तो मेरी बात मान ले, तो छोड़ना होगा इस देवदासी को। दे तलाक इसे, अभी के अभी दे तलाक, दे। आर्यन, बहरा हो गया क्या? सुनाई नहीं दिया तुझे? इस लड़की को अभी के अभी घर से बाहर निकाल, समझा? फिर मैं इसे ठिकाने लगाऊंगी। आराध्या, जस्ट काम डाउन, शांत हो जा, यहाँ बैठ, चल। कौन है आराध्या? आराध्या नहीं, आजी हूँ मैं तेरी, आजी। अच्छी बोल मुझे, क्या बोलेगा? अच्छी आराध्या, चुप चुप, ये क्या बोल रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? हाँ, तुम ऐसी हरकतें करते हो इसलिए घर वालों को लगता है तुम पर कोई साया है। जस्ट काम डाउन, कम हियर, कम। लगता है उस देवदासी ने पूरी तरीके से तुझे अपनी मुट्ठी में कर दिया है। अरे मेरी बात सुन, मेरे घर में वो लड़की नहीं चाहिए। अभी के अभी तलाक के कागज पर दस्तखत कर निकाल इसको बाहर। साइन करवा, काढ़ून टाक दिला, भाम दिला। राधिया, मजा आ गया। कावेरी ने क्या खूब काबू में किया है इसको। बस तलाक के पेपर्स जल्दी से साइन हो जाए, फिर ये आराध्या जाए भाड़ में। राधिया क्या कर रही हो तुम? राधिया जिस काम ना हो, राधिया दस्तखत कर। राधिया जिस दस्तखत, पागल हो गए क्या तुम? क्या कर रही हो यार? तलाक के पेपर है, दस्तखत कर। चुप कर, तुम क्या कर रही हो राधिया? जिस पागल हो गए कर। तुम सच में चाहते हो कि मैं पेपर्स पर साइन करूं? बताओ मुझे, तुम सच में चाहते हो कि मैं साइन करूं पेपर्स पर? बताओ, बताओ राधिया। क्या क्या मना रहे? फिर से कुछ कर रही थी क्या? क्या क्या फिर से कुछ क्या क्या रहे? यहाँ बेड पर चल।
समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। ये आराध्या पर मेरा सीधा असर क्यों नहीं हो रहा? कुछ भी करो, कुछ भी, लेकिन जो काम कर रही थी उसे पूरा करो। कर ही तो रही हूं। लेकिन सानिया ने इतनी जोर से झंझोड़ा है आराध्या को कि मेरा सारा वशीकरण का असर ही खत्म हो गया। कुछ करना होगा, कुछ तो करना होगा। चलो बहुत लेट हो गया आराध्या, तुम्हें आराम करना चाहिए। अरे I'm sorry. And thank you. आंखें बंद कर लो, सो जाओ। बताओ क्या किया मैंने इस बार? क्या किया? कुछ नहीं। जैसे तुम हमेशा मुझ पर चिल्लाती रहती हो ऐसे चिल्ला रही हो, और सो जाना चाहिए तुम्हें। आंखें बंद कर लो। सो जाओ। मैं सो जाऊंगा, तुम पहले आंखें बंद करो। हद कर दी इस लड़की ने, ना तो मर रही है और ना ही इस घर से और आर्यन की जिंदगी से बाहर निकल रही है। कैसे भी करके उस कचरे के डिब्बे को इस घर से बाहर निकाल कर फेंको। कर तो रही हूं ना। अब कल उसके अंदर से भूत निकालने की पूजा होने वाली है। सोचने दो मुझे कि मैं इस मौके का फायदा कैसे उठा सकती हूँ। लेकिन याद रहे, उस देवदासी को आर्यन से दूर करने के चक्कर में आर्यन कहीं उसके पास ना चला जाए। पालक जी शक्ल देख, बिल्कुल तेरी तरह, तू ही बैठ के खा। डेविड, ओ डेविड, फर्नांडिस साहेब, हाँ, सूट बूट पहनकर कहाँ जा रहा है तू? आपसे दूर रहना चाहता हूँ। ओ, आपकी वजह से मैं पहली बहुत गलतियाँ कर चुका हूँ, अब मुझे माफ कर दो। देवा रे देवा, डेविड साहेब, जो कुछ भी किया ना हमने अच्छा ही किया। अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। सुनने में आया तेरी बीवी गायू, उसने तुझे मस्त उल्लू बनाकर तलाक के कागज साइन करवा लिए। अब तू क्या दूसरी शादी करने जा रहा है सूट बूट पहनकर? किसी दूसरे की प्रॉब्लम देख के आप बहुत एंजॉय करते। खैर मेरा छोड़िए, आपकी नातिन की भी पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है, जाके पहले वो सॉल्व कीजिए। अरे वो अपने आप को संभालेगी, तू क्यों फिक्र कर रहा है? तू पहले बता इस नया अवतार में कहाँ जा रहा है तू? हाँ? नौकरी करने। एक वकील के पास नौकरी मिली है मुझे। किसी राजा केशव प्रताप की विरासत का बड़ा केस, उनके वारिस को हक दिलाना है। काय नाव रे? क्या नाम बताया महाराजा का? राजा केशव प्रताप। अब चलता हूँ मैं, और टाइम खराब नहीं करूंगा। देवा रे देवा, कोई तो है जो मेरे महाराजा केशव प्रताप का वारिस बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? उनकी तो एक ही संतान है और वो है मेरी बेटी तुलसी, तो ये दूसरा कौन फुदक रहा है? हाँ, कोई तो है जो साजिश कर रहा है। आर्यन कहाँ है? जी वो नए बिजनेस के सिलसिले में एक
अर्जेंट मीटिंग के लिए गया है। जबरदस्ती मीटिंग बुलाकर भेजना पड़ा आर्यन को, ताकि ये पूजा शांति से संपन्न हो जाए। अब एक तांबे का कलश मंगवा दीजिए। सुन भाई, कलश कहाँ है? अब कलश स्टोर रूम में है। बनवारी सरकार जा लिया। आबा साहेब भी ना, अकेले स्टोर रूम में लग गई मेरी वाट। बुरा नहीं क्या? आबा साहेब अभी तैयार होके आ जाइए अर्घ देने के लिए। देवा बस ये साया इस घर से निकल जाए, जिंदगी में कभी भूत प्रेत का नाम नहीं लेगी मैं। इससे पहले कि छोटी ताता थे ये मेरा राम नाम सत्य करके कलसी लेके निकल लेता हूँ यहाँ से। माई मैंने आपकी बड़ी सेवा की है, मुझे माफ कर दो। पहले मुझे पैसे दे दे। दामिनी माई आपकी आवाज को क्या हो गया? जितना कहा गया उतना कर। हाँ माई सारे दे दी माई। मुझे अभी भी दिख रहा है वो घाट में बांधा हुआ पैसा निकल। लेकिन इसको कैसे पता कि मैंने पैसे छुपा कर रखे हैं? हाँ 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 ये सारे सारे दे दिए मैं, ये 20 रुपए ले लो। देखते देखते रुपया का पता करना देख, मैं तो जाकर मैं उस औरत को बता दूंगा, बता दूंगी। कौन सी औरत को? माही अर्चना को, कविता को, जूही को या फिर संगीता को? बनवारी इतनी सारी औरतों के साथ चक्कर चल रहा है तेरा? है ये नानी का दरवाजा? हाथ इधर कर। नहीं ए, हाथ इधर। नहीं नहीं मैं मेरे साथ प्यार का वादा 50-50 थोड़ा देना। अरे 50 का ऐसी की तैसी, मेहनत करूं मैं और दे दूं इनको। एक वकील के पास नौकरी मिली है मुझे, किसी राजा केशव प्रताप की विरासत का बड़ा केस है, उनके वारिस को हक दिलाना है। ये हो ही नहीं सकता। ये रही मेरी वसीयत, मेरी एक लौती बेटी तुलसी के बच्चे के नाम। लेकिन मुझे अपने और अपनी बेटी के लिए ये धन दौलत ये सब कुछ नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए बस। मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ, पर मेरे बाद पता नहीं मेरे नाते रिश्तेदार तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करे, फिर तुम तुलसी को लेकर कहाँ जाओगी? देवा कृष्णा आपको 100 साल की उम्र है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपने पहले से इतना सब कुछ दिया है मुझे, ये महल, मंदिर के लिए जमीन, सब कुछ तो है मेरे पास, और उससे भी ज्यादा आपने अपना प्यार दिया है और सम्मान भी। इसीलिए तो मैं तुम्हारी और अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करना चाहता हूँ। आज से तुलसी का बच्चा मेरी सारी संपत्ति का वारिस होगा। अब दया के सागर है। राजा जी की वसीयत के बारे में मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, यहां तक मेरी बेटी तुलसी को भी नहीं। फिर कौन हो सकता है जो इस वसीयत पर हक जताना चाहता है, जो दावा करना चाहता है मेरी बेटी तुलसी पर जानलेवा हमला कहीं इस वसीयत की वजह से तो नहीं?
ब्राह्मणी के पति होने के नाते इस पूजा के माध्यम से अब अपनी पत्नी की आत्मा से उस हर चीज की माफी मांगी जो उन्हें परेशान कर रही है। जरूर, हम भी चाहते हैं कि यह पूजा जल्द से जल्द पूरी हो जाए। हाँ, बेचारी आराध्या को उनकी आत्मा के प्रकोप से भी मुक्ति मिल जाएगी। ये लीजिए, सूर्य को जल अर्पित कीजिए। थाम रे। मरने के बाद बड़ी हिम्मत वाली हो गई है भामिनी माई। प्रद्युमन विद्याधर राव, पहले अपने माथे की कौलिक तो पोछ ले, फिर करना ये पूजा उजा, समझा? तू अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर पहले। तो प्रद्युमन विद्याधर राव, जो कि अपनी बेटी और दामाद को इस घर में वापस लेकर आ, जिनको तूने धक्के मार के बेइज्जती करके यहाँ से निकाला था। याद है ना तुझे? करना होगा तुझे ये, वरना सूर्य भगवान तेरा अर्घ स्वीकार नहीं करेंगे, समझा? तो इसे ये सब सिखाने की क्या जरूरत थी? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया इसे, पता नहीं क्या बोले जा रही है। क्या बकवास कर रही है? हमें हमारी पूजा करने दे। डर गया तू? तुझे लग रहा है कि मैं तेरा बांडा फोड़ दूंगी सबके सामने, सबको बता दूंगी तेरी काली करतूतों के बारे में, है ना? ये क्या बोल रही है तू? क्या बोल रही है? भामिनी इस तरह हमसे कभी बात नहीं करती थी। सोच ले तू, प्रद्युमन विद्याधर राव, अगर तूने ऐसा नहीं किया ना, तो तुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, हम सरस्वती और माइकल को इस घर में नहीं आने देंगे। क्या कहा तूने? नहीं आएंगे? नहीं। तो तुझे मेरा प्रकोप सहना पड़ेगा। मरने के बाद औरतें पहलवान हो जाती हैं क्या? आबा साहब, आप जितनी बहस करेंगे उतना इसका आक्रोश बढ़ता जाएगा। आप पूजा शुरू कीजिए, उसके प्रभाव से अपने आप शांत हो जाएंगे। चलिए। सोच ले प्रद्युमन विद्याधर राव, तुझे मेरी बेटी सरस और मेरे दामाद माइकल को इस घर में वापस लाना ही होगा, समझा तू? लाना ही होगा। जब वो लड़की तुम्हारे इशारों पे नाचती है, तो फिर बिखरे हुए परिवार को मिलाने की बात कैसे करने लगी? एक बात सुनो, मुझे कोई नहीं चाहिए इस घर में, सरस्वती माइकल कोई नहीं चाहिए इस घर में। ये सरस्वती की कहानी मैं भी नहीं जानती। तो फिर क्या अपने मन से बकवास कर रही थी वो? बार बार सम्मोहित करने से कई बार ऐसा होता है कि वो इंसान उस चरित्र में पूरी तरह घुस जाता है, और फिर हमारे बिना कुछ किए ही उसका दिल और दिमाग उसी चरित्र की तरह काम करने लगता है। और चूंकि ये लड़की इस घर के बारे में सब कुछ जानती है, तो हो सकता है कि इसका दिमाग अपने आप उस तरफ बढ़ रहा हो जिसका एहसास शायद इसे भी नहीं। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी ये घटिया कहानी, नहीं जानना कि क्यों और कैसे ये सब हुआ। मुझे रिजल्ट चाहिए, सिर्फ रिजल्ट, समझी तू? शायद इस पूजा से हमें कुछ फायदा हो, क्योंकि अब मेरे हाथ से भी निकलती जा रही है ये लड़की।
अरे देवा, इस पागल लड़की ने क्या कर दिया? आबा साहब, अब ये पूजा कैसे होगी? बड़ा या पूजा करने वाला, अब देखती हूँ कैसे करता है तू पूजा। आबा साहब, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि आपको इतना सुनना और सहना पड़ रहा। मेरी मानो तो इसे भेज दो उसके घर। लोग जैसे मर्जी चाहे उतारेंगे इसका पूत। अरे इसका पूत तो हम उतारेंगे। ऐसे ऐसे मंत्र बुलवाएंगे, चुटकी बजाते इसका पूत उतार देंगे। ए! ए! घबरत नहीं तुला, तेरे सारे पापों को मैं एक एक करके गिनवाऊंगी। प्रद्युमन, देखती हूँ कैसे करता है तू ये पूजा। अच्छा, ठहर, अभी तेरा किस्सा ही खत्म कर देते हम। आवा साहब, शांत बैठा दीजिए। बुलाइए उस तांत्रिक योगी जी को, इसके सर पे भूत प्रेत जो भी सवार है निकाल के बाहर भेज दीजिए। अब इसकी बदतमीजी हम और सह नहीं सकते। आपा शांत हो जाइए। आपा ये होश में नहीं है, आपा कुछ भी अगर कोई फायदा नहीं। अरे होश में नहीं है तो होश में लाना पड़ेगा ना इसे। देख ना, देख क्या कर दिया इसने। जानबूझ के नहीं किया साहब, शांत हो जाइए प्लीज। अरे ले जाइए इसे, ले जाइए इसे यहाँ से, वरना हम कुछ कर देंगे। मेरी सारा को वापस लेकर आ। माइकल और सारा से इस घर में वापस आएंगे, वरना मैं ये पूजा उन्हें देखूंगी। छोड़ आर्यन, छोड़ मुझे। छोड़ दे पादशाह। शांत हो जा। अरे रुक ना प्रद्युमन विद्याधर राव। ए नको, उर्वा सब साफ कर दो। आइए बैठा दीजिए। किनावा से आइए। ए, करना देख, ज्यादा होशियारी मत दिखा। आबा साहब ने जो बोला है ना वो चुपचाप कर जा। हेलो, मेरा नाम उनके मुंह से गलती से निकल गया और इस घर की नौकरानी तुम हो, तो साफ सफाई भी तुम्हें करूंगी। अच्छा तो जा, जो बोलना है वो आबा साहब को बोल दे। तू अभी तक इस घर की बहू बनी नहीं है हाँ? अरे उसके लिए तुझे बहुत नाक रगड़नी पड़ेगी, समझी क्या? कुछ सुनाई नहीं दिया क्या? क्या कहा हमने? आबा मैं साफ कर देता हूँ। आबा आर्यन रुक जा, क्या कर रहा है? आई। अरे आर्यन रहने दे, तू मत कर। क्या कर रहा है तू आर्यन? दिमाग खराब हो गया तेरा? अबा मेरी बीवी ने गंदगी फैलाई है तो मुझे ही साफ करनी चाहिए ना। नहीं तू नहीं करेगा ये, तुम्हारे से इस घर का। और तू कब से इसे अपनी बीवी मानने लगा? अब जब तक वो बीमार है तब तक मैं उसका अपनी बीवी की तरह ख्याल रखूंगा। एक बार ठीक होने के बाद फिर सोचेंगे करना क्या उसके साथ। ऐसे अब मेरा घर है, मुझे अपने घर की सफाई करने में गलत क्या है? अब जाइए, अब आप मुझे साफ करने दीजिए। ये येड़ी लड़की, अरे झूठ मूठ की सही लेकिन अपने होने वाले पति की मदद करने का नाटक तो कर जा।
वैसे कैसे आना होगा? वो क्या है ना वकील साहब, मैं पूछने आई हूँ। आजकल सुनाई दे रहा है कि ऐसा कोई है जो राजा जी के वसीयत पर दावा ठोकना चाहता है। कौन है वो? पर आपको कैसे, मेरा मतलब कोई कैसे कर सकता है? अरे आपके सिवा उस वसीयत पे कोई दावा ठोक ही नहीं सकता। यही तो सुनना चाहती थी मैं आपके मुंह से। वकील साहब, राजा जी की असली वसीयत है ना, वो मेरे पास है। अगर ऐसा कोई शख्स है जो अपना दिमाग चला रहा है तो आप जरूर मुझे बताइएगा। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अरे मेरे रहते हुए आप चिंता क्यों करती है? बरमी ये थे। हाँ मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। हेलो, मैं वकील दामोदर पुंडीर बोल रहा हूँ। अभी अभी कृष्णा दास की कुमुदिनी आई थी, मुझसे बहुत ज्यादा पूछताछ कर रही थी। लगता है उन्हें शक हो गया है। और ओरिजिनल विल भी उन्हीं के पास है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। अगर सामने से उन्होंने दावा ठोक दिया ना तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके। पानी सर से ऊपर चला गया होना। अरे सुन भाई, आ गए तेरी सासू भाई, फिर से आ गई। आएगा? हाँ? क्या मंडली जमी है तुम्हारी? कह रहे नाकू, कहेगा सुन भाई, तेरी आई ने तेरे को सिखाया नहीं क्या? अपने ससुराल में सब पसर के बैठती है। बट सेवा की आजकल की बहुएं भी ना बिना लगाम की घोड़ी हो गई है। ये कौन? ये नक्कू। हाँ हाँ हाँ, क्या? ये कौन? वो अच्छा, आर्यन की होने वाली बाइक को मेरे पोते की। हाँ हाँ, हो हो हो। कहेगा सुन भाई, तेरी होने वाली सुन भाई है ना, जनक लेकर उसको नीचे, मैं भी जरा जांच पड़ताल कर लूं। मेरे इकलौते पोते की होने वाली पाइप को कैसी है? जा बोला ना। हाँ जा जा जा। हाँ जाती जाती। बांटी कावेरी बोल रही थी कि ये लड़की पूरी तरह से भामिनी की कैरेक्टर में घुसी हुई है, इसलिए चुप रहने में ही भलाई है। आर्यन की पसंद का मूंग की दाल का शीरा आनी पूरन पोड़ी बनाना आता है तेरे को? हो हो हो, आता ही ये था ना। ए तू गप्पा बस, सा जा जाके बना रसोई में जाके, मैं भी तो देखूं हमारे घर का स्वाद तेरे हाथ में है भी के नहीं। जा। सुना नहीं क्या तूने? हाँ ये सुन भाई, तेरी सुन भाई भैरी है क्या? बोल इसको, जा। नहीं नहीं, जा जा और सुन,
चपाती और भाजी भी बनाना, और मसाला बाजार का नहीं अपने हाथ से कूट कूट के बनाना। जा जा। आजकल की सुन भाई। ये कौन गा? हाँ? ए, इकड़े इधर आ। क्या रे नप्पू? हाँ? तेरे गांव से कोई नई काम वाली लेके आई है क्या? अरे नहीं नहीं मैं हाँ 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 हाँ। रसोई में मेरी होने वाली सुनबाई का हाथ बटा। जा काम कर। सुनबाई मैं जाती हूँ। बब्बू मसाले मसाले कर रख के पता नहीं ना उसको मैं निकाल के देगी ना। मैं जाती हूँ। चल रसोई भूत ने ना सब कुछ उल्टा कर दिया। देखो पहले वो भूत ने क्या किया ताके पटका और अब तेरे को नौकरानी बना दिया। हाँ लगता है इस घर से तेरा दाना पानी उठ गया। चल चल चलो काम करेंगे। चल चल चल। ए सुन भाई तू यहाँ क्या खड़ी है? जा जाके देख तेरी होने वाली सुन भाई क्या उल्टी ला रही है। सर आने वाली है मेरी बेटी। एकदम सण सणित खाना बनना चाहिए। जा। देख रहे ना हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है सच में इसके अंदर भामिनी की आत्मा है या फिर हम सबको पागल बना रही है। हमें तो डर लगता है किसी की जान न ले ले। आप असाइन पुरानी बातें भूलकर अब अपनी बेटी और दामाद को वापस बुला लीजिए। हो सकता है उसके बाद आपकी पत्नी की आत्मा को शांति मिल जाए। समझने की कोशिश कीजिए अगर इस आत्मा की मांग पूरी नहीं की तो हर हाल में पूजा संपन्न नहीं हो पाएगी।